हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि पास्ट स्टेटमेंट एक तरीके का बहाना है। अब कैसे बहाना है? अब एक एग्जांपल आपको बताऊं। अगर आप क्लास में बैठे हो और आज कॉपी चेक हो रही है, बोलते नोटबुक चेकिंग चल रही है, और टीचर ने आपको खड़ा किया कि आपकी नोटबुक कहाँ पर है, तो मोस्ट कॉमन बहाना क्या दिया जाता है? मतलब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। क्या बोलोगे? नोटबुक घर पर है। तो इसी तरह होता है हमारा पास। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ एज, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, इनपुट एंटर योर एज, इस वेरिएबल का हम क्या कर रहे थे लास्ट वीडियो में? कंडीशन लगाया हमने, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज हमारा ग्रेटर देन है 18, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ प्रिंट कर रहे थे। प्रिंट कर रहे थे क्योंकि ये वाली कंडीशन हो गई तब जब हमारे पास नोटबुक थी और हमने अपने टीचर को दे दी, लो सर चेक कर लो। अगर हमारे पास कुछ प्रिंट करने के लिए है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा ही नहीं अभी हमें क्या करना है, अगर वो 18 से ज़्यादा है तो हमें पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? सर नोटबुक घर रह गई, मतलब हमारा काम पूरा नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर हमने ऐसा लिख दिया और अब हम रन करने की कोशिश करें तो एरर आएगा, इंडेंट एरर आ गया, ठीक है? तो अब मतलब कुछ ना, अगर आपने इस तरह ब्लॉक चालू करा तो उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो आपके पास कुछ ना कुछ है करने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पास लिख देंगे। पास का मतलब सर, अरे सर नोटबुक घर रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, 12 लिखा ये रहा, अच्छा ठीक, ये तो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का बोल रहा है कि आपने स्ट्रिंग में कंपेरिजन करा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इंटी होना चाहिए, बस इसका कोई इशू नहीं है, ठीक। ये तो आप यहाँ देखिए, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो गया है, मतलब ये नॉर्मल हमारा यहाँ आया और इसे एक्सक्यूज मिल गया यहाँ पर पास, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है फिर भी पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ कुछ नहीं मिला तो ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो गया। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।